नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास श्रृंखला का तीसरा पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश की इसके पहले दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने गुलाम वंश के प्रारंभिक जो शासक है उनकी चर्चा की थी, और ये गुलाम वंश के अंतर्गत लास्ट पार्ट है जिसमें हम आज बात करेंगे बलवन की। इसके अलावा आप हमारी किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी सीरीज की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं और सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे गयासुद्दीन बलवन की कि आखिर इसका शासनकाल किस तरह का रहा। गयासुद्दीन बलवन का जो शासनकाल रहा वो 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक रहा। बलवन जो था वो भी एक गुलाम था। बलवन इलबिरी जाति का एक गुलाम था। इसका जो वंश था, जो जाति थी, वो थी इलबिरी। बलवन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था और खरीद करके इसको दिल्ली लाए थे। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि बलवन को सबसे पहले किसने खरीदा। तो बलवन को सबसे पहले ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम के व्यक्ति ने खरीदा। इसके बाद में भारत में जब स्टार्टिंग में इल्तुतमिश का शासन था, तो इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त की तो इसके पश्चात इसने बलवन को खरीदा। तो बलवन को इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा, और किससे खरीदा? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी से। अपनी योग्यता के कारण वह इल्तुतमिश के समय से ही महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहा। सबसे पहले इसको इल्तुतमिश के द्वारा जो दल चालीसा गठन किया गया था उसमें शामिल किया गया। इसके अलावा जो भी अमीर आखुर और जो भी महत्वपूर्ण पद, चाहे वो नायब का हो, तो अलग अलग शासन में जो भी अलग शासन आए तो उनके समय में इसने अलग अलग पद पर महत्वपूर्ण कार्य किया। बलवन, देखिए यहां पर मेंशन भी किया गया है, जैसा कि बताया कि बलवन जो था वो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्कों का जो गुट था, जिसको हम दल चालीसा के नाम से जानते थे, उसमें ये शामिल था। तो इसने क्या किया, इसको सबसे पहले इसने समाप्त किया। जब इसका शासन आया तो इसने सबसे पहले दल चालीसा को समाप्त किया। बलवन के समय में एक ही सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ जिसको बंगाल के विद्रोह के नाम से जानते हैं। वहां के जो शासक थे तुगरिल खां, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपना स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बलवन के द्वारा अमीन खां को भेजा गया, लेकिन अमीन खां इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तो इस असफलता से नाखुश होकर के बलवन ने अमीन खां की हत्या कर दी थी, और अमीन खां की हत्या के बाद उसने मलिक मुकद्दीर को तुगरिल खां की जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए भेजा। तो मलिक मुकद्दीर ने उस विद्रोह को दबाया और तुगरिल खां की हत्या कर दी। इस हत्या से प्रसन्न होकर बलवन ने उसे तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। तुगरिल कुश का मीन्स होता है तुगरिल की हत्या करने वाला। तो तुगरिल की हत्या करके इसने तुगरिल कुश की उपाधि उसको प्रदान की। बंगाल की तत्कालीन राजधानी उस समय लखनौती थी, और लखनौती को ही विद्रोहों की नगरी कहा जाता था। विद्रोहों का नगर किसको कहा जाता था? लखनौती को। और लखनौती उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। बलवन ने अपने पुत्र बुखरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। जब वहां से तुगरिल का शासन खत्म हुआ, उस विद्रोह को दबाया गया, उसके बाद बलवन ने अपने पुत्र बुखरा खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया, और इसके बाद बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करने वाला गुलाम वंश का शासक कौन था? बलवन था। बलवन ने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत क्या होता था कि जो भी बलवन का विरोधी था उस विरोधी की हत्या कर दी जाती थी, और उसकी स्त्री एवं उसके बच्चों को दास बना लिया जाता था। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि लौ एवं रक्त की नीति को ओरल जानते हैं लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं जानते। तो इस नीति के अंतर्गत क्या होता था कि विद्रोही की हत्या कर दी जाती थी और उसके जो स्त्री एवं उसके बच्चे थे उनको दास बना लिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं। बलवन ने कहा था कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसको जिल्ले इलाही के नाम से जाना जाता है। जो बलवन था ये अपने आप को, क्योंकि ये राजा था तो ये अपने आप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहा करता था।
और इसीलिए उसने जिल्ले लाए की उपाधि भी धारण की थी। बलबन ने कुरान के नियमों को अपने शासन का आधार बनाया। इसका जो शासन का आधार था वो कुरान के नियम ही थे। उसने कुरान के नियमों के आधार पर ही अपने शासन को चलाया। बलबन ने अपने सैनिकों को नगद में वेतन देना प्रारंभ किया। इसने एक नई रीति को चलाया कि जो इसके सैनिक थे उनको नगद में वेतन दिया जाता था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। इसका जो मेन फोकस था वो फारसी चाहे वो भाषा हो चाहे फारसी रीति रिवाज हो, तो इसने सारे काम जो है फारसी रीति रिवाज से ही किए। तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव नवरोज उत्सव को इसने प्रारंभ कराया। इसके अलावा इसने अपना जो दरबार था उसको ईरानी पद्धति में सजवाया था। ये भी इसके शासन की एक विशेषता थी क्योंकि ये फारसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट था, तो इसने अपना जो दरबार था वो ईरानी पद्धति में ही सजवाया था। बलबन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी प्रभाव पर आधारित सिजदा क्या होता था, घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने झुकना, ये एक प्रणाली थी और इसने इसको अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा पाबोस पांव को चूमना, ये दोनों सिजदा और पाबोस ये दोनों जो पद्धति थी ये एक फारसी पद्धति थी और बलबन ने इसको अनिवार्य कर दिया था कि कोई भी उससे निचले तबके का व्यक्ति अगर उससे मिलने आता है तो उसका सिजदा जरूर करेगा। सिजदा क्या होता है, घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना और पाबोस पांव को चूमना, ये उसने अनिवार्य कर दिया था। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, तो केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की और उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि उसको उस समय जो लैंग्वेज चलती थी उसमें क्या कहते थे, तो उसमें इसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन ये बलबन के दरबार में ही रहते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, तो ये बलबन के समकालीन थे। इसके अलावा अमीर हसन का भी आंसर हमारा बलबन ही होगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता नाम से जाना जाता था, ये उपाधि इसको दी गई थी। बलबन के शासन की सफलता का जो मुख्य श्रेय था वो उसके गुप्तचर विभाग को जाता है, क्योंकि इसका जो गुप्तचर विभाग था वो बहुत ही मजबूत था, क्योंकि गुप्तचर विभाग पे पूरी जो नजर थी वो बलबन ही रखता था। अपने गुप्तचरों की जो नियुक्ति करता था वो बलबन स्वयं करता था और इसके जो भी फंडिंग की आवश्यकता होती थी, जो भी बजट की जितनी भी ज्यादा आवश्यकता होती थी, ये उसको पूर्ण रूप से प्रोवाइड कराता था। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी हीला हवाली उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मंगोल सेना से युद्ध करते हुए मारा गया। इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था मुहम्मद, वो मंगोलों के सेना से घिर गया और लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई वर्ष 1286 ईस्वी में। क्योंकि ये अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के ज्यादा करीब था, तो इस वजह से इस सदमे को बलबन बर्दाश्त नहीं कर सका और बलबन की मृत्यु हो गई। तो बलबन की मृत्यु कैसे हुई, बलबन की मृत्यु अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे के कारण हुई। ये पॉइंट जान सकते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कय खुसरो को नियुक्त किया। बलबन ने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो कय खुसरो को बनाया, लेकिन कय खुसरो जो कि उस समय बंगाल में पोस्टेड था, तो वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, तो उसने दिल्ली की जो सल्तनत थी उसमें पद लेना उचित नहीं समझा और वो अपनी बंगाल की जो स्वतंत्र शासक थे उससे ही खुश था, तो उसने राज सिंहासन लेने से मना कर दिया। इसके अलावा कुछ दिल्ली में कुछ ऐसा राजनीतिक माहौल था कि वहां के जो कोतवाल थे फकरुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने कूटनीति से कय खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी दी और कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। लकवा के कारण कैकुबाद की भी मृत्यु हो गई और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इसकी हत्या करके ही आगे के वंश का जो निर्माण हुआ, तो उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ जानना ये आवश्यक है गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था।
अगर हम बात करें कै खुसरो और कैकुबाद की, तो जो कै खुसरो और कैकुबाद थे ये बलबन के पौत्र थे, मीन्स बलबन के जो पुत्र थे उनके पुत्र कै खुसरो और कैकुबाद थे। तो क्योंकि इसके पुत्रों ने शासन उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था, तो इस वजह से इसने अपने पौत्रों को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो उत्तराधिकारी नियुक्त किया इसने कै खुसरो को, लेकिन बलबन के बाद जो शासक बना वो कैकुबाद बना। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसने एक उत्तराधिकारी किसको बनाया और गद्दी पर कौन बैठा। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश की चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली अवेलेबल मिल सके। वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।